वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो रिफॉक्समिन टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं, टेबलेट और कैप्सूल का आज हम रिव्यू करते हैं। तो 200 mg, 400 mg, 550 mg मार्केट में आपको मिल जाएगी या अवेलेबल है। तो ये जो है टेबलेट की बात करते हैं, तो टेबलेट जो है एक फिल्म कोटेड टेबलेट है। फिल्म कोटेड टेबलेट इसको बनाते हैं क्योंकि ये जो है इसका जो डिजोलेशन है उसको इंटेस्टाइन में करने के लिए इसको इस पर एक फिल्म की कोटिंग की जाती है। और ब्रांड नेम की बात करते हैं तो रिफा स्टॉप इसका जो ब्रांड नेम है रिफा स्टॉप और रिफोगेट और ये जो है जीफॉक्सिन और रिफा ग्रिप और रिफॉक्समिन। तो ये सारे ब्रांड नेम हैं जो कि मार्केट में आपको मिल जाएंगे। और ये एक ओरल प्रिपरेशन में जो है टेबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में मार्केट में मिलते हैं। तो अब जो है हम बात करते हैं इसके यूजेज की। तो रिफॉक्समिन इज ए यूज द ट्रीट ट्रिबलर्स डायरिया दैट काज बैक्टीरिया कॉल्ड एस्चेरिचिया कोलाई। तो रिफॉक्समिन का उपयोग यात्री के दस्त के इलाज के लिए किया जाता है जो कि एस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। जब हम यात्रा या कोई यात्रा ट्रिबल करते हैं तो जो है इधर उधर का जो दूषित फूड है उसको खा लेने से या दूषित चीज़ें खा लेने से एस्चेरिचिया कोलाई जो है बैक्टीरिया जो ग्रो कर जाता है, तो उसके लिए हम ये जो है यूज में लाते हैं। तो उसके दौरान यानी ट्रिबल दस्त के दौरान जो होता है उसमें हम इसको यात्री दस्त के लिए हम यूज करते हैं। इट यूज प्रिवेंट हेपेटिक इंसेफलोपैथी विच इज ए कंडीशन डेट अकर विन योर लीवर डज नॉट वर्क इन नॉर्मली। इसका उपयोग हेपेटिक इंसेफलोपैथी को रोकने के लिए किया जाता है जो कि एक ऐसी स्थिति होती है जब आपका यकृत सामान्य रूप से कार्य नहीं करता है। तो हम इसका उपयोग जो है करते हैं। दिस मेडिसिन इज आल्सो यूज टू ट्रीट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विथ डायरिया। इस दवा का उपयोग हम डायरिया के साथ जो चिड़चिड़ापन है और आंतों का सिंड्रोम के इलाज के लिए किया जाता है, यानी IBS के साथ जो है डायरिया के लिए किया जाता है और फूड पॉइजनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब कुछ हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में नौजिया हो सकती है यानी मितली आना हो सकता है और स्टमक पेन पेट में आपके स्टमक यानी पेट में दर्द हो सकता है और डिजीनस चक्कर आना, एक्सेसिव टाइर्डनेस अत्यधिक थकान, हेडक यानी सिर दर्द, मसल्स टाइटनिंग मांसपेशियों में जकड़न, जॉइंट पेन जोड़ों का दर्द, पेरिफेरल ओडिमा, सूडो मेंबर्स कोलाइटिस, आर्थो रिगिया फीवर, ये सारे कंडीशन हो सकते हैं। और डोजेज की बात करें तो डोजेज को जो है ट्रीटमेंट ऑफ IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विथ डायरिया को हम जो है ये 550 mg दिन में तीन टाइम 14 दिन तक आफ्टर फूड यानी खाने के बाद देते हैं। और ट्रिबल्स डायरिया के कंडीशन में हम इसको जो है सुबह शाम दो बार 3 दिन के लिए देते हैं। और हेपेटिक इंसेफलोपैथी में इस कंडीशन में 400 mg यानी 400 मिलीग्राम को हम 5 से 10 दिन तक दिन में 2 बार देते हैं। तो इसके डोजेज की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि ये जो है जैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेगनेंसी जो हैं वो महिलाएं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसको ले। और मैकेनिज्म आप एक्शन की बात करते हैं तो रिफॉक्समिन इज ए पुअरली एब्जॉर्ब बैक्टीरियल साइडल रिफामाइसिन डेरिवेटिव
विच इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय एरिसिबल बॉन्डिंग टू RPOB दैट बीटा सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरिया DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमराइज यानी रिफॉक्समिन एक खराब और अवशोषित जीवाणु नाशक रिफॉक्समिन व्युत्पन्न है जो कि जीवाणु DNA को पर निर्भर RNA पॉलीमराइज 3 को बीटा सब यूनिट RPOB के लिए अपरिवर्तनीय रूप से बाध्यकारी द्वारा जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। तो इस प्रकार ये अपना वर्क करता है। आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।